मध्य विधानसभा विधायक आरिफ मसूद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अग्रिम जमानत के बाद पहुंचे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय, जहां भारी तादाद में उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया। उसी के साथ साथ महिलाओं द्वारा रीति रिवाज के साथ तिलक लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया गया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आरिफ मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश की गंगा जमुना तहजीब को नहीं बिगाड़ने दूंगा, तिरंगा हाथ में लेकर संविधान की रक्षा करेंगे। न्यायपालिका का धन्यवाद किया। सरकार मेरे पीछे पड़ गई थी, अगर मुझे अग्रिम जमानत नहीं मिलती तो मैं न्यायालय में पेश होता। ये मुकदमा मैं न्यायालय से जीत लूंगा, मुझे पूरी उम्मीद है। संवाददाता साउथ सिद्दीकी की रिपोर्ट। काफी लंबे से कोर्ट से नहीं थे, उसमें बताया कि आप फरार थे या फिर आप अपनी। देखिए मैंने कहा ना, ये कुछ भी कहते ना, मैं इनका जवाब नहीं दूंगा। मैंने थाने पहले मुकदमा दर्ज हुआ चला गया, वो भोपाल से के गया था, चुनाव प्रचार में गया, जाने के बाद एक मुकदमा और लगा दिया। जो दिल चाहे जो ये कर सकते करे ना। पार्टी पहले दिन से करती आई है, जिस ताकत से चुनी हुई सरकार को, लोकतंत्र को बर्बाद किया, वही उसका नतीजा था। मैंने कहा ना कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए, उसमें कहीं काट छाट नहीं करें, एक शब्द एक लाइन कोई निकाल कर दे देगा कि मैंने कोई गलत काम करा तो मैं पनिशमेंट के लिए तैयार। लेकिन उसको इतना बड़ा बना दिया तो जाहिर है तुमको चुनाव के लिए भी करना होगा। और वो देखिए सही बात तो यह है कि ये चाहते थे, धन्यवाद देना चाहिए भोपाल की जनता, ये चाहते थे कि ऐसा माहौल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जो लोगों में आपस में तनाव बढ़े और नफरत बढ़े। हमने उस नफरत को रोकने का काम करा और आज फिर हम पैगाम देंगे हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश की जनता को कि जिस नफरत भरी आंधी में देश के लोग काम कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए जिम्मेदार लोगों को आगे आके अमन का भुगत बजाना चाहिए। मैं आपकी बात पूरी तरह समझ गया। मैं आपको एक बात बता दूं, नेतृत्व मध्य विधानसभा की जनता ने मुझे दे दिया। मुझे विधानसभा में चुनके भेज के मध्य प्रदेश के अंदर मध्य विधानसभा के मतदाताओं ने मुझ पर विश्वास जता दिया, इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं उनके अच्छे कामों के लिए जिसके साथ भी खड़ा होना होगा निश्चित रूप से अगली पंक्ति में खड़ा होऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई दुर्भावनावश किसी को तंग कर रहा हूँ या मैं आमंत्रण दे रहा हूँ कि कोरोना फैलाने के लिए आओ। और उस दौर में जिस दौर में ये आंदोलन हुआ था, उस समय उसी दिन मुख्यमंत्री जी की सभा में हजारों की भीड़ थी, और किसी ने निकाला। इनका काम है इस तरह का प्रचार करना, और मुझे पूरी उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि ये मुकदमा न्यायालय से मैं जीतूंगा, कोर एक्टिव में मुझे कामयाबी मिलेगी। अपील खारिज।